मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी बुरा किया नहीं, और अपने गाने के ज़रिए देश की सेवा करने की कोशिश की। कितनी की वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं फिल्मों में गाती हूँ, पर इसके अलावा मैं बता नहीं सकती हूँ कि, पर इच्छा बहुत है। देखिए, इंसान को ना वक्त सब सिखा देता है। उस वक्त मैं सहगल साहब को सुनती थी और मुझे सहगल साहब बहुत अच्छे लगते थे। जब मेरे सर पे सारा भार आ गया तो मैंने शुरू किया। मैं तो सिर्फ ये सोचती थी कि किसी तरह मुझे काम करना है और अपना घर ठीक। शुरू शुरू में मैं करती थी कि अगर कुछ वल्गर हो तो मैं नहीं गाऊंगी, ये होता था। पर बाद में सब म्यूज़िक डायरेक्टर्स को और सबको मालूम हो गया था कि लता इस टाइप के गाने गाती नहीं, तो ऐसा गाना आता था वो मेरे पास आता ही नहीं था कोई। कहते हैं कि एक बार ये झगड़ा हो गया था, मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया गाने पे, आप गाना नहीं चाहती थी गाना, लेकिन आपको फिर गाना पड़ा राज कपूर जी के दबाव में। नहीं, दबाव से नहीं, क्या हुआ था, मैंने उनको कहा कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ इसके बोल अच्छे नहीं लग रहे, बोल नहीं अच्छे लग रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये मजाक हो रहा है, वो अपने हस्बैंड को चिढ़ा रही है, और मैं गाना इसको ऐसा पिक्चराइज करूंगा जिसमें तुम्हें ये नहीं, लोगों को महसूस होगा कि ये वल्गर है। इसी शर्त पे मैंने वो गाना गाया, पर वो पिक्चर मैंने नहीं देखी। और कभी अपने स्टेज शो में वो गाना कभी नहीं गाया आपने, कहते वो पिक्चर ही नहीं देखी मैंने उस गाने की वजह। तो इस तरह के झगड़े होते रहते थे क्या म्यूजिक डायरेक्टर से? मेरे बहुत हुए हैं, मुझे लोग कहते थे ये बहुत झगड़ालू है। हालांकि झगड़े ऐसे नहीं होते थे, पर कोई ना कोई बात मैं कह जाती थी और मुझे गुस्सा बहुत आता था तब। अब नहीं, कम हो गया। तो किससे झगड़े हुए शंकर जय किशन के अलावा आपके? कहते ओपी नैयर से बड़ा झगड़ा आपका हो गया था, उन्होंने कभी आपको गाना नहीं गाने का मौका दिया या आपने कभी उनके लिए नहीं गाया? नहीं, ओपी नैयर साहब के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं। तो पूरे देश में तो लोग यही समझते हैं कि आपका झगड़ा हुआ। ये लोग बातें बनाते हैं ना, लोगों को कुछ काम नहीं है, ऐसी झूठी अफवाहें हैं। बल्कि नैयर साहब मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आते थे, उनका म्यूजिक भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर ना जाने क्यों मुझे एक ऐसी फीलिंग थी और उनको भी थी कि वो जिस टाइप के गाने बनाते थे वो या तो आशा या गीता दत्त गा सकती थी, ये मुझे भी लगता है, आज भी लगता है। तो उस तरह गानों में क्या बहुत ही तेज होते थे? नहीं, वो कुछ अलग टाइप का बनाते थे, तो वो स्टाइल शायद मेरे गले से अच्छा नहीं लगता। कोई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, उनकी आवाज मेरे म्यूजिक को सूट नहीं करती। मुझे चाहिए थी सेडक्टिव वॉइस, जिनकी वॉइस में वेट हो, तो मुझे वो गीता दत्त, शमशाद बेगम और आशा भोसले में मिला। आशा भोसले बड़ी अच्छी गायिका है, लेकिन नंबर वन गायिका लता मंगेशकर ही रहेगी। एक मरतबा मेरा मतलब एक डेट फिक्स भी हुई थी जिसपे मेरी रिकॉर्डिंग थी, पर उस वक्त मैं बीमार हो गई तो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो जाने के बाद फिर उन्होंने भी बुलाया नहीं, मैं भी गई नहीं। कुछ गाने ऐसे होते हैं, आज भी ऐसा होता है कि मुझे गाना अगर पसंद नहीं हो, मतलब अंदर से उतना अच्छा नहीं लगता हो, तो आधे मन से गाती हूँ मैं और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इतने भ्रम ये सब सारे फैले हुए आपके बारे में, इनमें सच्चाई किसी में? सच्चाई नहीं है ये, क्योंकि लोगों को ना कुछ मसाला चाहिए। लता जी, जो पाना चाहती थी, जिसे आप उपलब्धि का पैमाना मानती थी, वहां तक पहुंच गई है या आपको लगता है कि अभी और कुछ बाकी रह गया जहां पहुंचना है? देखिए, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि किसी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सब पा लिया है, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है, इसमें आदमी परिपूर्णता कभी नहीं पाता। आप जितना भी उसको मत अंदर जाएं, उतना ही ये सागर गहरा है। और मेरा ख्याल है ये मरते दम तक करना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने सब पा लिया। इसका पैमाना क्या होता, क्या मतलब आप चाहती कि किस जगह तक, किस मुकाम तक पहुंचे गानों के लिहाज से कि इतने गाने गा लिए मैंने,
या क्या होना चाहिए, इसका कोई मापदंड है? नहीं, गाने गा लिए इसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि गाने मैंने बहुत गाए, हो सकता है उसमें से कुछ गाने बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कुछ अच्छे नहीं हैं, पर संगीत यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये फिल्मी गाने हुए। इसके अलावा सुगम संगीत भी होता है, और सबसे बड़ा होता है क्लासिकल म्यूज़िक। और क्लासिकल म्यूज़िक जितने लोग गाते हैं बजाते हैं, आज तक जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ संगीत गाने वाले हुए हैं, वो हमेशा यही कहते रहे कि नहीं अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, वो कुछ करना क्या होता है जिसे अभी अभी करना बाकी रह गया, क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत में भी बहुत गाया। शास्त्रीय संगीत गाया पर फिल्मों के लिए गाया, शास्त्रीय संगीत मैंने वो नहीं गाया जैसे शास्त्रीय संगीत गाते हैं। उसके लिए जो एक रियाज करना चाहिए, उस रियाज के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता, अधूरा। मुझे सिर्फ यही लगता है कि मैं और थोड़े दिन पहले अगर थोड़ा क्लासिकल का और ये करती और मैं क्लासिकल गाती तो अच्छा होता, पर अब थोड़ा मुश्किल लगता है, पर फिर भी मैं गाऊंगी, मैं कोशिश तो करूंगी, होगा कितना वो मुझे मालूम नहीं, पर इच्छा बहुत है। खास तौर पे मेरी इच्छा ये है कि मैं भगवद गीता रिकॉर्ड करूँ। लता मंगेशकर अपने आप से संतुष्ट हैं? अपने आप से संतुष्ट मेरा ख्याल, जहाँ तक मेरे काम का सवाल है, मैं कभी नहीं होती हूँ। मुझे हमेशा कोई ना कोई नुक्स नज़र आता है। मैं अपना गाना नहीं सुनती हूँ, इसलिए नहीं सुनती हूँ कि मुझे लगता है मालूम नहीं कैसे गाया है, एक डर सा रहता है, और गाना सुनने के बाद लगता है अगर ये इससे भी अच्छा गाती तो अच्छा होता। तो जब कोकिला कंठ को अपना डर लगता है, अपने गाने से इतना डर लगता है, तो बाकी लोगों को क्या होता होगा? नहीं, बाकी लोगों को शायद डर नहीं लगता, मेरा ख्याल। आप में इतनी डर की वजह क्या है? ये जो परफेक्शन की चाहत है, अकुलाहट है कि भाई बिल्कुल एक परफेक्शन हमें पाना चाहिए। ये डर होता है कि गलती ना हो, कहीं सुर से हट ना जाए, या कहीं बोल में गड़बड़ ना हो, या एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं आया तो अच्छा नहीं होगा, तो वो एक रह जाती है बात अंदर कि भाई ये इससे अच्छा हो सकता था। आपसे भी गलती होती है गाने में? क्यों नहीं, मैं इंसान हूँ, गलती करना तो स्वाभाविक है। तो आपने ये क्यों कहा कि अगर आपको कभी दूसरी जिंदगी जीनी पड़ी तो आप लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी? क्योंकि इसमें बहुत मुश्किलें हैं। एक तो सच्ची बात यह है कि अगर हम लोग हिंदू हैं और हम लोग पुनर्जन्म में मानते हैं, अगर वाकई पुनर्जन्म है तो भगवान करे मुझे पुनर्जन्म ना मिले, और अगर उसको पुनर्जन्म देना है तो भारत में ही दे, महाराष्ट्र में दे, और कोई छोटे से घर में दे। वो काम करती रही, उसने वो पहली मंगलागौर पिक्चर में काम किया, हालांकि उसको एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर भी उसने काम किया। तो मास्टर विनायक राव, उन्होंने उसको, दीदी की आवाज़ उनको बहुत पसंद थी, तो उन्होंने उसको जब कोल्हापुर में उन्होंने प्रफुल्ल पिक्चर की स्टार्ट की, तो उन्होंने सोचा कि दीदी को ले जाओ यहाँ से। तो हम लोगों को पूरे फैमिली को लेके कोल्हापुर गए, ऐसे हम कोल्हापुर चले गए 43 में। तब वो दीदी का काम काम, पूरा दिन काम, सवेरे 8 बजे जाती थी, रात को आती थी 10 बजे, पूरा दिन काम करती थी। तो कुछ भी हो, एक बहुत बड़े मालिक की लड़की काम नौकरी कर रही है, तो बहुत दुख था, क्या करें, कोई भी चारा नहीं था ना हम लोगों को। लेकिन इसका मजाक करना ये सब नहीं बंद हुआ, वो फिर से शुरू हो गया, और उसका खेलना कूदना बस वही, हम लोगों को कुछ अपना दुख क्या है, उसको क्या तकलीफ है, कभी नहीं बोला उसने। तो वो संत तुकाराम पिक्चर आई थी मराठी की, दीदी के ऊपर बहुत असर हो गया उसका, और एक एक गाना उसको याद हो गया, और डायलॉग भी उसने याद किए,
और घर आके उसने लिखना शुरू किया, वो पूरा लिखा उसने कि ये ड्रामा है, और हम लोगों को रिहर्सल की। तो पार्ट दे एक एक को, कभी मैं उसकी तुकाराम की बीवी बन जाती थी, कभी कुछ कुछ चलता था कैरेक्टर, वो खुद तुकाराम बनती थी। और हमारे घर में ऐसे गद्दियों का ऐसे तीर लगा के रखते थे हम लोग, सब घर के सब गद्दी उठा के एक जगह पे रखते थे, उसके ऊपर वो बैठ के तुकाराम बन के गाना गाती थी, सब उसको गाने याद थे। जब आखिरी गाना आया, नहीं वो बीच में वो गाती थी कि तुकाराम महाराज गा रहे हैं और ये पौधे ऊपर आ रहे हैं सब, तो हम पौधे बनते थे और ऐसे हाथ हिला के धीरे धीरे उठते थे उसके सामने, वो ऐसे चलता था उसका नाटक। और आखिरी सीन में तुकाराम वैकुंठ पे जाते हैं, ऊपर से विमान आते हैं और वो चले जाते हैं, ऐसा है। ये ऊपर चढ़ के बैठती थी और गाती थी कि मैं जा रहा हूँ मैं जा, और ऊपर से कूदी लगाती थी नीचे तब हमारा पिक्चर खत्म होता था, ये पूरा दिन चलता था। Hi friends, this is Rahul B. Seth and you're watching We Harp Entertainment. Music may be righty or good effort for society. Cheers and God bless. All the best.